बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी अनीला सिंगर से, और मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती हूँ आज। छोड़ना मेरा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम बिना साथ मेरा रहनुमा, तुम बिना साथ मेरा जी वाह। अच्छा, इश्क मुर्शिद नहीं, वो दूसरे दूसरे वाला, वो कौन सा है? हाँ, इश्क मुर्शिद वाला है ना। हाँ, वो वाला चलो सुना तो दो थोड़ा सा। हाँ, जाने तमन्ना जाने आगा तुझे, देखा है सोचा पाया वही, चेहरा देखा नहीं था मैंने कहीं, तेरी ही खातिर लो सो जन्म में चाहे हो जो भी पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो, ये जीवन क्या गरमाओगे तो मेरी जान नजर कर दे, तेरा मेरा है प्यार। वाह जी वाह। नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे प्यारो, पागला जो भी कहो तुम माने राई, जब से जुदा तेरी ही खातिर लो सो जन्म में चाहे हो जो भी पिया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यारी उमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो, ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दो। अनीला मेरी सिस्टर के घर में होती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मेहनती लेडी है, बहुत मेहनत से काम करती हैं, और इसकी ख्वाहिश है कि बस मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, मैं मेहनत करूं, बस मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएं, जितना हो सकता है उनके लिए, मतलब ये बस कमाना, रोज़ी कमाना और बच्चों का पेट पालना, बच्चों के लिए सब कुछ करना। हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादातर बच्चों के लिए कुछ भी नहीं देते, वो बस ज़ाहिर है नशे में लगे हुए हैं, नशा करते हैं तो आजकल तो इस तरह की, लेकिन ये माशाल्लाह इतनी अच्छी टैलेंटेड। अच्छा, डेली मैं इसकी आवाज़ सुनती थी गुनगुना के काम करना, जब भी ये इस साइड पे बाहर आती है ना गलियां धोने के लिए, बाहर की ये जगह वॉश करने के लिए, तो अक्सर गुनगुना रही होती थी, तो मैंने फिर आज सोचा कि चलें आज थोड़ा सा इसका व्लॉग भी बना देते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, और आप सब भी अनीला को फुल सपोर्ट करें भी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाए, अपने बच्चों के लिए कुछ करे, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने आप लोगों के साथ इसकी ये वीडियो शेयर की है, तो बस ये आप इसको सपोर्ट करें। बहुत ही हैप्पी हो रही थी जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी, तो अच्छा एक तो ये खुश अखलाक बहुत है, खुश अखलाक औरत है, मैंने उसको नोट किया, अपनी ज़िंदगी में जितनी भी डिस्टर्ब है, जितनी भी परेशानी में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ये इतनी खुश अखलाक है, हंस के बात
करना सबके साथ और बहुत ही अच्छी। अच्छा जब ये यहाँ पे आती है ना तो कसम से हम तो सब खुश हो जाते हैं कि अनीला जो है वो आ गई है, बहुत ही अच्छी औरत है ना। तकरीबन आई थिंक 3 to 4 ईयर्स से ना ये आप ही के घर में है, और पिछली बार भी मैं आई थी ना कराची में 2 ईयर्स अगो तो तब भी ये यहाँ पर थी, और अब भी मैं आई हूँ तो अब भी ये यहाँ पर। आप तो इतना अच्छा लगता है हाल अवाल इनसे बांटना, इनके साथ बातें करना मुझे बड़ा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा मेरा व्लॉगिंग करना या मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद ही यही है, मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं किसी तरह से भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकूँ। और वैसे भी हम सबको इतनी ही कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो भी हमारे आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, एक पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, जो इतना नहीं अर्न कर सकते, जो इतना नहीं कमा सकते, जिनके पास अच्छी अच्छी जॉब्स नहीं हैं, जिनका अच्छा बिजनेस नहीं है, तो उनके लिए तो लाइफ स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस ऐसे लोगों की ज़रूरत ज़रूर मदद करें, और ये है कि बस जिस तरह से हो सकता है, जो अगर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं उनको चाहिए कि कुछ ज़रूरतमंदों की मदद किया करें, और जो अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं, अपने किसी ने चैनल बनाया हुआ है या कोई बहुत अच्छी जॉब करते हैं, तो हमें ना सबसे पहले अगर हम ज़रूरतमंदों को अपने सामने रखेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला भी हमें और ज़्यादा कामयाबी अता फरमाएंगे। अभी हम ना बाहर जा रहे थे, मैं और मेरी नीज़ मेरे साथ ही, और हम जा रहे थे कुछ बाहर बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह ऐसा की कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो अभी बाहर इतना अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो फिर साथ साथ मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मेरा अबाया देखें कितना, आपको यहाँ से फील हो रहा होगा कि कितनी ठंडी ठंडी और कितनी तेज़ हवा है। हैपरलिंक मुस्तफ़ा का दूध। कौन से वाले? एक अभी नहीं, तो बस ये आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक था। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी रात का टाइम हो रहा था और अभी भी इतनी हवा है, मैं यहाँ पे सोफ़े पे आके बैठी हूँ और यहाँ पे मैंने कर्टन्स हटाए हुए हैं, विंडो ओपन की हुई थी, और मैं बाहर के हवा के जो हैं वो मज़े ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब इतनी बड़ी सारी विंडो हो, पास ही आप बैठे हैं और बाहर का व्यू चेक करें। तो अभी मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, तो बस अभी मैं बैठी हूँ, साथ साथ ठंडी ठंडी बाहर की हवा भी ले रही हूँ। तो बस ही अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलूँगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।